इस वीडियो में मैं आपको एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन का कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूं कि कैसे आप शेयर्स खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे आप आईपीओस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारे फीचर्स इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओपन करने पर पहले आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी, किस लैंग्वेज में आप एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंगे। अकाउंट ओपन करने का कम्प्लीट प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, आप वो वीडियो देखकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वो आप यहां डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने पर सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आप अपनी फेवरेट कंपनीज को ऐड कर सकते हैं और उनके शेयर्स पर आप नजर रख सकते हैं। इसमें पहले से काफी सारी कंपनीज एडेड है। अगर आपको कोई न्यू कंपनी ऐड करनी है तो आप सर्च पर क्लिक करेंगे। यहां आप कंपनी का नाम डालेंगे जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डालता हूं MGL आ गया। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्टिंग आ जाएगी, जैसे कि ये कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। तो जो भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी और आप यहाँ देख सकते हैं ये ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आपको कोई भी कंपनी ऐड करनी हो या तो आप ऊपर सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे या फिर आपको नीचे भी ऐड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करनी है आप उसका नाम डालेंगे। मुझे अडानी गैस वॉच लिस्ट में ऐड करनी है, अडानी गैस लिखेंगे, आ जाएगी ATGL, क्लिक करेंगे, लिस्टिंग आ जाएगी, ये NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड है, मुझे NSE को वॉच लिस्ट में रखना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट को मॉडिफाइड करना है तो आप किसी भी कंपनी पर होल्ड करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी कंपनी को ऊपर या नीचे कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मुझे बजाज ऑटो ऊपर करना है तो इस तरह से मैं इसको ऊपर ले आऊंगा। कोई भी कंपनी अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट से डिलीट करनी है तो आप डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएगी इस तरह से। इसके बाद आप ऊपर डन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट मॉडिफाइड हो जाएगी। अगर आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की डिटेल्स चाहिए तो आप उस कंपनी पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मुझे महानगर गैस लिमिटेड कंपनी के स्टॉक्स की डिटेल्स चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको कंपनी का नेम मिल जाएगा, साथ ही यहां पर आपको शेयर का प्राइस मिल जाएगा, जैसे कि महानगर गैस लिमिटेड यानी MGL के एक शेयर का प्राइस है 1048 रुपीज। साथ ही नीचे आप चेंजेस देख सकते हैं, आज ये 0.66% के आसपास बढ़ा है। नीचे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कितने लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और कितने लोग इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक को बाय करने वाले ज्यादा हैं और सेल करने वाले कम हैं। जब बाय करने वाले ज्यादा होते हैं तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और जब सेल करने वाले ज्यादा होते हैं तब उस स्टॉक का प्राइस गिरता है। टेक्निकल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी टेक्निकल डिटेल्स आ जाएगी और साथ ही यहाँ आप फंडामेंटल्स पर क्लिक करके इसके फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। फंडामेंटल्स में आप स्टॉक का DNA, PE रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ओपन प्राइस क्या है, हाई कितना गया था और लो कितना गया था, और नीचे यहाँ पर आप आज के प्राइस की समरी देख सकते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चार्ट्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप सेटिंग में जाकर चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स, इसमें चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू दो ऑप्शन होते हैं, कोई भी आप एक चूज करेंगे। मैं ट्रेडिंग व्यू रखूंगा, बैक जाएंगे, फिर से यहाँ चार्ट्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस स्टॉक का चार्ट आ जाएगा। नीचे आप चूज कर सकते हैं चार्ट आपको कैसे देखना है, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर। जैसे कि मुझे 1 मंथ का चार्ट देखना है तो मैं 1 मंथ पर क्लिक करूंगा और मेरे सामने पिछले 1 महीने का चार्ट आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने में इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपको चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें आपको कैंडल्स, लाइन, एरिया, बेस लाइन सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अकॉर्डिंग टू लाइन देखना है तो आप लाइन पर क्लिक करेंगे,
आपका चार्ट चेंज हो जाएगा लाइन में। अगर आपको बार्स में देखना है, आप बार्स पर क्लिक करेंगे, आपको बार्स में दिख जाएगा। होलो कैंडल्स में देखना है, आप होलो कैंडल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उसी तरह से ये चार्ट आ जाएगा। अगर आप चार्ट को डार्क मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, चार्ट डार्क मोड में हो जाएगा। इसको आप डे लाइट करने के लिए फिर से यहीं पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा चार्ट की सेटिंग्स के लिए आप यहाँ सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी सेटिंग्स आ जाएगी। जब आप किसी भी स्टॉक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, बाई और सेल। अगर आप उस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो आप बाई पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको सेल करना है, पहले से आपने बाई किया हुआ है, तो आप सेल पर क्लिक करके उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले आपको फंड ऐड करना होता है। फंड ऐड करने के लिए आप नीचे यहाँ फंड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अमाउंट डालना होगा, कितना आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे 1500 रुपीज ऐड करने हैं तो यहाँ पर 1500 रुपीज डाल दूंगा। इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसफर, आप इंटरनेट बैंकिंग और UPI से ऐड कर सकते हैं। मैं इंटरनेट बैंकिंग चूज कर लेता हूं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अमाउंट आपको उसी बैंक से ऐड करना होगा जो आपको यहां पर शो हो रहा है, जो आपने लिंक किया हुआ है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्ट कर देगा आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पर। आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां डालकर सबमिट करेंगे। फंड एंजल ब्रोकिंग वॉलेट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 1500 रुपीज ऐड हो गए हैं। अगर आप UPI के थ्रू फंड ऐड करना चाहते हैं तो आप UPI आईडी डालेंगे। इसके बाद आपके UPI एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप UPI पिन डालकर पेमेंट करेंगे तो एंजल ब्रोकिंग वॉलेट में फंड ऐड हो जाएगा। एक बार फंड ऐड करने के बाद आप शेयर्स बाई कर सकते हैं। जो भी स्टॉक आपको बाई करना है, आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस स्टॉक का नाम डालकर सर्च करेंगे। और अगर आपने वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड किया हुआ है, जैसे कि हमें अडानी टोटल गैस लिमिटेड कंपनी का शेयर बाई करना है, इसको हमने वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो यहीं से इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बाय सेल का ऑप्शन आ जाएगा। या तो आप यहीं से बाय पर क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस स्टॉक की डिटेल्स आ जाएगी। यहीं से आप चार्ट देख सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देख सकते हैं, और यहीं से आप बाई पर क्लिक करके इसको बाई कर सकते हैं। पहले आपको चूज करना होगा स्टॉक एक्सचेंज, कौन से एक्सचेंज से आप बाई करना चाहते हैं, NSE या BSE। हम इसमें चूज करेंगे NSE, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नीचे आपको क्वांटिटी डालनी होगी, कितने स्टॉक्स आपको बाई करने हैं। जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूं 2, मुझे 2 शेयर्स बाई करने हैं। नीचे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लिमिट और मार्केट। अगर आप लिमिट चूज करेंगे तो यहां पर आप कोई भी एक प्राइस डाल सकते हैं जिस पर आपको ये स्टॉक बाई करना है। जैसे कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 360 रुपीज 50 पैसा, लेकिन आप इसको बाई करना चाहते हैं 359 रुपीज में, तो आप यहां पर लिमिट डाल सकते हैं। इसमें आप डालेंगे 359 रुपीज। अब इससे जब भी ये शेयर पहुंचेगा 359 रुपीज पर, तभी ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस पर परचेज करना है तो आप मार्केट चूज करेंगे, इसमें जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पर ये बाई हो जाएगा। प्रोडक्ट टाइप में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी सुबह में खरीदा शाम में बेचा, तो आप इंट्राडे चूज करेंगे। अगर आप इंट्राडे चूज करेंगे तो ये शेयर आज ही सेल हो जाएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो। लेकिन अगर आपको शेयर होल्ड करने के लिए बाई करना है तो आप डिलीवरी चूज करेंगे। इसमें आप जब चाहे शेयर को सेल कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करके। नीचे वैलिडिटी है, ऑर्डर की वैलिडिटी आपको डे रखनी है या IOC। IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी आपका ऑर्डर या तो इमीडिएट प्लेस हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हम डे रखेंगे। नीचे आपके सामने अमाउंट आ जाएगा, कितना आपको पे करना है, तो हमें पे करना है 2 शेयर्स के लिए 721 रुपीज, तो बाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म बाई, और आप देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप यहाँ ऑर्डर्स पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं पोजीशंस में। जैसे कि हमने 2 शेयर्स बाई किए हैं और हमें 50 पैसे का प्रॉफिट हो चुका है, तो जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो आप यहीं पर देख सकते हैं। जैसे कि गेन में है 40 पैसा, तो हमें 40 पैसे का फायदा हो चुका है। तो जितने भी आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो सब आपको यहाँ पोजीशंस में मिल जाएंगे, और जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स है वो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में मिल जाएंगे। जब भी आप कोई शेयर बाई करते हैं तो एक दिन तक वो आपको यहीं पोजीशन में शो होगा,
और यहीं से आप उसको सेल भी कर सकते हैं। सेल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जिट का, एग्जिट पर क्लिक करके आप यहीं से इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में इसको सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन ये आपको पोर्टफोलियो में मिलेगा। यहाँ माय होल्डिंग्स में आप इसको अगले दिन से देख पाएंगे और यहीं से आप इसको सेल भी कर पाएंगे। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करें तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने चाहिए। जैसे कि हमने 2 शेयर्स बाय किए हैं तो हम इनको 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने टाइम के लिए चाहे होल्ड करके रख सकते हैं और यहीं पर अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। जब भी हमें लगे कि अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए अगर आप सेम डे सेल करेंगे तो आपको ये पोजीशन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सेम डे इसको सेल नहीं करते तो ये आपको अगले दिन से पोर्टफोलियो में मिलेगा और यहीं से आप इस पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं और मुझे सेल करना है तो यहीं मैं एग्जिट पर क्लिक करूंगा। और यहां इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लिमिट और मार्केट। अगर आपको कोई लिमिट सेट करनी है कि मुझे इतने प्राइस में सेल करना है तो आप यहां प्राइस डाल सकते हैं, उसके बाद एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये स्टॉक टच करेगा उस प्राइस को जो आप यहां डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस पर सेल करना है तो आप मार्केट चूज करेंगे, इसमें जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी में सेल हो जाएगा। एग्जिट पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म एग्जिट, तो आपका ये स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके आप उसके स्टॉक की डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें आपको समरी, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स सब देखने को मिल जाएंगे। चार्ट पर क्लिक करके आप उस कंपनी का चार्ट देख सकते हैं। बाई पर क्लिक करके आप उस कंपनी का स्टॉक बाई कर सकते हैं। और अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप यहां सेल पर क्लिक करके उसका स्टॉक सेल कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप यहां ऑर्डर्स पर क्लिक करके पोजीशंस में देख सकते हैं और यहीं से आप उसको सेम डे सेल कर सकते हैं। सेम डे अगर आप सेल नहीं करते तो अगले दिन से वो आपको यहां पोर्टफोलियो में मिलेगा और आप यहां से देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, और यहीं से आप एग्जिट करके उसको सेल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में इक्विटी में आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो आपने बाय किए हैं, और अगर आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। जिन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है वो सब यहां आ जाएंगे। यहां पर बॉन्ड्स आ जाएंगे, यहां पर F&O आ जाएंगे, यहां पर कमोडिटी यानी अगर गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया है वो यहां पर आ जाएगा, करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो वो यहां पर आ जाएगा। तो पोर्टफोलियो में आपको एक ही जगह पर सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहीं पर आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। कोई भी स्टॉक सेल करने के बाद अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, अपने बैंक अकाउंट में निकालने हैं, तो आपको 2 दिन का वेट करना होगा और ये 2 ट्रेडिंग के वर्किंग डेज होने चाहिए। 2 दिन के बाद आप उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आप फंड्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी विड्रॉएबल बैलेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर 00 है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो 2 दिन के बाद वो विड्रॉ के लिए अवेलेबल होता है, तो आपके सामने बैलेंस आ जाएगा। आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे जो भी आपको विड्रॉ करना है, इसके बाद आप यहाँ विड्रॉ फंड्स पर क्लिक करेंगे तो 2 दिन के अंदर अंदर वो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। इसमें आप यहां 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आईपीओ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आईपीओ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आईपीओ की एक लिस्ट आ जाएगी। आज की डेट में जितने भी आईपीओ ओपन है वो सब आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टिंग गेन का क्या चांस है। जैसे कि इंडिगो पेंट्स लिमिटेड में लिस्टिंग गेन का चांस हाई है। इस आईपीओ को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है और डेफिनेटली लिस्टिंग पर काफी अच्छा गेन मिलने वाला है। नो मोर पर क्लिक करके आप इस आईपीओ के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करके आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आईपीओज में मिनिमम फिक्स होता है कि आपको कम से कम इतने शेयर्स बाय करने हैं और उनको कहा जाता है लॉट। तो जैसे कि इंडिगो पेंट्स लिमिटेड में एक लॉट में 10 शेयर्स हैं, तो ऐसे ही सभी आईपीओज में एक लॉट में अलग अलग शेयर्स होते हैं। जैसे कि IRFC की एक लॉट में 575 शेयर्स थे, तो आप 1 से लेकर 13 तक लॉट्स बाय कर सकते हैं। जितनी भी आपको बाय करनी है लॉट्स आप यहां डालेंगे और आपके सामने प्राइस आ जाएगा, कट ऑफ प्राइस कितना है। यहाँ पर आप UPI ID डालेंगे, नीचे आपके सामने फाइनल अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 की जगह 2 लॉट्स डाल देता हूं तो आप देखेंगे नीचे प्राइस बढ़ चुका है। तो आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंफर्म करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और जो भी आप UPI एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे और अपना UPI पिन डालकर पे करेंगे
तो आपके अकाउंट में इतना ही अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आईपीओस के अलॉटमेंट की एक डेट होती है, जैसे कि इंडिगो की अलॉटमेंट की डेट है 28 जनवरी। तो अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आपका जो अमाउंट है कट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, लेकिन अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा और वो आपके अकाउंट में शो होगा, उसको आप फिर यूज कर पाएंगे। सो इस तरह से आप किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो ओपन है, जैसे कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, इसमें भी लिस्टिंग गेन का चांस हाई है। आप अप्लाई पर क्लिक करके इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने ऑर्डर्स किए हैं आप यहां ऑर्डर बुक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है ऑर्डर, जब आप कैंसिल कर देते हैं उसमें लिखा हुआ आता है कैंसिल, और जब आप यूपीआई एप्लीकेशन में यूपीआई पिन डालकर उसको अप्रूव कर देते हैं तब लिखा हुआ आता है अप्लाइड। एंजल ब्रोकिंग के थ्रू गोल्ड और करेंसीज में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। लेकिन अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आप वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं, किसी भी स्टॉक का चार्ट कैसे देख सकते हैं, और आप बाय सेल कैसे कर सकते हैं, साथ ही आप फंड कैसे ऐड करेंगे और कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड, गोल्ड, करेंसीज और एनपीएस में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है इस पर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा।